जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल द रेल यात्री। दोस्तों, एक और रेल हादसा। इस रेल हादसे में ट्रेन के द्वारा एम्बुलेंस को टक्कर मार दी जाती है और ट्रेन और एम्बुलेंस की टक्कर में एम्बुलेंस लगभग 100 मीटर तक घसीटती हुई चली जाती है। कहाँ हुआ हादसा, कहाँ और कब हुआ यह हादसा, किसकी लापरवाही से यह हादसा हो गया और इस हादसे में कितने जान माल की हानि हुई, आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी होगी। दोस्तों, ये हादसा कल के दिन यानी कि 27 नवंबर 2021 को हुआ। ये घटना ट्रेन संख्या 22820 विशाखापट्टनम से भुवनेश्वर तक चलने वाली सुपरफास्ट इंटरसिटी एक्सप्रेस के साथ हुई है। इस इंटरसिटी एक्सप्रेस की टक्कर हो जाती है एम्बुलेंस के साथ और जिस एम्बुलेंस के साथ इस ट्रेन की टक्कर होती है वो एम्बुलेंस लगभग 100 मीटर तक घसीटती हुई ट्रेन के साथ ही चली जाती है, जैसा कि आप यहां पर इन तस्वीरों में देख सकते हैं। दोस्तों, ये घटना आंध्र प्रदेश के पलासा रेलवे स्टेशन के पास हुई है। घटना का समय सूत्रों के मुताबिक शाम को 7:40 के आसपास रहा होगा। तेज़ रफ्तार ट्रेन की टक्कर एम्बुलेंस से हो जाती है। दोस्तों, बताया ये जा रहा है फलकनुमा एक्सप्रेस के एक यात्री को मेडिकल इमरजेंसी के कारण पलासा रेलवे स्टेशन पर उतार दिया जाता है और 108 को कॉल करके एम्बुलेंस मंगाई जाती है। जब एम्बुलेंस उस पेशेंट की मदद करने के लिए आती है तो एम्बुलेंस के ड्राइवर से ये गलती हो जाती है, वो ये देख नहीं पाते हैं कि दूसरे ट्रैक पर ट्रेन आ रही है और इसी दौरान ट्रेन से टक्कर हो जाती है। दोस्तों, ये बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस का जो स्टाफ था वो ट्रेन और एम्बुलेंस की टक्कर के चंद सेकंड पहले एम्बुलेंस से निकल जाते हैं, इस वजह से किसी भी प्रकार की जान माल की हानि नहीं होती है। बाकी टक्कर ज़ोरदार थी, जैसा कि आप लोगों ने तस्वीरों में देखा होगा। और जिन जिन लोगों को ये लगता है कि ये घटना कहीं पर नहीं हुई है, ये फेक न्यूज़ है, मैंने वीडियो के लिंक में जहाँ से मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है वो लिंक दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हो। पूरी इन्फॉर्मेशन इंग्लिश में है, आप अपने हिसाब से हिंदी में उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आप लोगों से किसी और नए वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द रेल यात्री चैनल एंड कीप सपोर्टिंग।